लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान के सपोर्ट में उतरे मुंबई के फैंस, कहा मुंबई को पंजाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर का नाम इस समय तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन उसके बारे में बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नामक संगठन का कर्ता धरता है। वो डिफरेंट स्टाइल में समाज सेवा करने का दावा करता है। पंजाब और हरियाणा की सबसे खतरनाक गैंगों में से एक का लीडर है वो, और अपने गैंग का संचालन अमूमन जेल में ही करता है। उसके पास महंगी पिस्तौलें और बंदूकों का जखीरा भी है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस समय पंजाबी सिंगर और पंजाब कांग्रेस के नेता शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या में सामने आ रहा है। सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी गायक, गीतकार, मॉडल थे जो सो हाई गाना गाकर चर्चा में आए थे। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके गाड़ी पर 30 से ज्यादा फायर किए गए, जिसमें से कम 5 गोलियां उनकी छाती में जाकर लगी। फिलहाल जांच जारी है और वो तिहाड़ जेल में बंद है और उससे दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई लोगों और मुंबई पुलिस की नजरों में तब आया जब उसने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। साल 2018 में लॉरेंस ने जोधपुर में काला हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद से वो जेल में ही है और वहीं से व्हाट्सएप के जरिए काम करता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सलमान खान के पिता और राइटर सलीम खान को एक धमकी भरा लेटर मिला था, जिसमें लिखा गया था कि सिद्धू मूसेवाला की तरह ही सलमान खान और उनके परिवार का हाल होगा। लेकिन क्या सलमान खान तक पहुंचना इतना आसान होगा? आपको बता दें कि एक दशक से ज्यादा वक्त हो गया है सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे बने हुए हैं। उनकी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई। इन फिल्मों ने कमाई के न जाने कितने कीर्तिमान तोड़े और कितने रिकॉर्ड बनाए हैं। सलमान दिल से भी बहुत अच्छे नेक इंसान है। वो हर किसी की मदद करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। यही वजह है कि लोगों का इतना प्यार उनको मिलता है। जब से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है, उसके बाद से लोगों का प्यार अब सुरक्षा में बदल गया है। मुंबई फैंस ने ये ऐलान कर दिया है कि मुंबई को पंजाब नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि जो हाल पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का हुआ था, वो यहाँ मुंबई में सलमान खान का नहीं होगा। इसलिए सलमान के फैंस ने मुंबई के बांद्रा में स्थित उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इकट्ठा भी हुए हैं और जगह जगह पर पोस्टर्स भी बना रहे हैं और पेंटिंग कर रहे हैं और सलमान खान को बता रहे हैं कि वो अकेले नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलीम खान को मिले लेटर से हाथ पीछे ले लिया है, लेकिन पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है।